नमस्कार। वास्तुशास्त्र की श्रृंखला में आज चर्चा करेंगे मिरर यानी कि शीशे के ऊपर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं कि घर में शीशा यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरा शीशे, मेरी जो परछाई है वो शीशे पे पड़ रही है तो क्या होगा? मेरा बेड जहां पर मैं सोता हूँ वहां एकदम सामने शीशा है। तो आज इन छोटी छोटी बातों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अब तक हम प्लॉट कैसे सिलेक्ट करना है, किचन, टॉयलेट्स, बेडरूम्स, छोटी छोटी वास्तु की बातें, कैश बॉक्स पर चर्चा कर चुके हैं। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो समय निकाल कर देख लीजिएगा, लाभ होगा। तो आइए आज शीशे के बारे में चर्चा करते हैं। शीशा, सबसे पहले समझते हैं वास्तुशास्त्र में क्या है। शीशे को वास्तुशास्त्र के अंदर वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व की श्रेणी में आता है, यानी कि जल का वो प्रतिनिधित्व करता है शीशा। समझने का प्रयास करते हैं कि शीशा घर में किस किस दिशा में हम सबसे पहले लगा सकते हैं और किस दिशा में लगाने से बचना चाहिए। देखिए, ये देखिए उत्तर दिशा है और इससे पहले उत्तर पश्चिम और उत्तर से बीच की दिशा है, जिसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर उत्तर पश्चिम कहते हैं। यहां से लेकर और पूर्व दिशा के इस भाग तक आप शीशा घर में लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अपार्टमेंट्स में या घर में जहां पर मैं रहता हूं शीशा मुझे यहीं हो, बेडरूम्स में भी शीशा लगाना है। कई लोगों को सुविधा नहीं होती है क्योंकि वहां जगह नहीं होती है, तो भाई लगाना तो है ही, क्योंकि ड्रेसिंग रूम बनेगा, सब कुछ तो होना ही है। तो क्या करेंगे, इसको बात को समझते हैं। और दूसरी चीज, इसमें बीच में एक बात और कह देता हूं कि इससे चौड़ा, मेरे कंधे से चौड़ा और मेरी कमर, सर से लेके मेरे कमर से नीचे तक का जो से ऊंचा जो शीशा है वो वास्तु में एक्सटेंशन का काम करता है, मतलब उस दिशा को बढ़ाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे जब हम शीशा अपने घर में लगाएंगे। देखिए, ये क्योंकि जल की दिशा हो गई और ये वायु की दिशा हो गई, तो वायु और जल में आराम से शीशा आप लगा सकते हो। अब यहां से आप देखिए, मोटा मोटा आप अपने अग्नि कोण से लेके और इस दिशा तक, दक्षिण पश्चिम, बल्कि पश्चिम दक्षिण पश्चिम, यहां तक शीशा प्लीज बहुत ध्यान से लगाएं। और लगाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत छोटा सा उपाय लेकिन बहुत इफेक्टिव है, ये आज समझेंगे कैसे। सपोज आपको शीशा दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना है तो कैसे लगाएंगे। आप देखिए, ये एक बेडरूम है जहां पर व्यक्ति को अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल बनानी है, तो क्या करेंगे, दो तरीके हो सकते हैं यदि आप शीशा लगाएंगे तो। एक तो एक्सटीरियर एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम वॉल पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वही वाला सेम रूल अप्लाई होगा कि वो उस दिशा को एक्सटेंड कर देगा। तो क्या करेंगे, देखिए इस वॉल पर यहां शीशा लगाएंगे, इससे दो फायदे होंगे। मैं मान के चलता हूं कि नुकसान करता है शीशा यदि परछाई पड़ती है, हम इस चर्चा में जाते ही नहीं है कि क्या होगा, हम बचा लेते हैं उस चीज को। देखिए क्या होगा, यहां शीशा लगाएंगे, इससे क्या हुआ, ये एक्सटीरियर वॉल पे सबसे पहले नहीं गया। दूसरा क्या हुआ, यहां पर हम इसको शीशे के चारों ओर येलो कलर या ब्रास, यानी कि ब्रास का या कॉपर का एक फ्रेम दे देंगे, जिससे उस दिशा का, और कॉपर से भी बढ़िया ब्रास है, जिससे उस दिशा के तत्वों का नुकसान होना बंद हो जाएगा, यानी कि उस दिशा के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उस शीशे के कारण वो आपको नहीं आएंगे। ब्रास का सिंपल फ्रेम आप लगा दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। अब देखिए, सपोज आपको शीशा लगाना है कहां पर, आपको शीशा यहां पर कहीं पर लगाना है, मान के चलते हैं इस टॉयलेट में आपको शीशा लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, इन वॉल्स पर जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं यहां शीशा नहीं लगाएंगे। यदि इससे छोटा शीशा है तो आराम से लगा लो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी कि मेरी कमर से लेके सिर से छोटा और कंधे से लेके, अगर शीशा वो चौड़ा नहीं है तो आप आराम से लगा सकते हैं। क्या करना है, सिंपल, सपोज आपको शीशा छोटा है यहां लगाना है तो यहां लगा दीजिए। सिंपल क्या करना है, ब्रास का सेम रूल अप्लाइज, ब्रास का एक फ्रेम लगा दोगे उसके, आप शीशे के चारों में प्रॉब्लम, चारों ओर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो आपके जीवन में उसके नकारात्मक प्रभाव नहीं आएंगे। और यहां लगाएंगे, यहां पर
उससे भी बेहतर है। क्यों? एक तो वो एक्सटीरियर वॉल पे नहीं गया और ब्रास से हमको उसी तरह से कवर करना है उसको, मेरा वास्तु भी सॉल्व हो गया, मेरा शीशा भी लग गया और हम बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आजकल फ्रेम्स बनते हैं जिसमें हम उसको डाल सकते हैं। तो वास्तु को हम आर्किटेक्चर के साथ में जोड़ के बड़े आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, शीशा सपोज मेरे को अब इस बेडरूम में लगाना है तो मैं क्या करूंगा, अब मान के चलते हैं कि भाई मेरे पास यहां पर कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि देखिए हालांकि यहाँ का तो इसमें लग गया लेकिन आपको ड्रेसिंग एरिया में सपोज नहीं लगाना, आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल यहाँ बनानी है मान के चलते हैं, या आपको ड्रेसिंग टेबल यहाँ बनानी है, तो क्या करेंगे, शीशा यहाँ लगाएंगे, अपनी ड्रेसिंग टेबल यहाँ बनाएंगे और इसको कवर करके बना लेंगे। कहने का मतलब जो दरवाजा खुलता है उस पर शीशा लगा लेंगे पीछे तरफ, या फिर आगे से उसको हम ऐसा बनाएंगे आर्किटेक्चरली, या बहुत सारे लोग, मैंने बहुत जगह कराया है इस तरह से काम, आप दरवाजा खोलेंगे पीछे मिरर होगा, ठीक है, आप तैयार होंगे, आप वापस उसको बंद कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी। और वो भी पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, सेम ब्रास के फ्रेम से आप उसको ब्लॉक कर देंगे। छोटी सी ये, इतनी सी ये उंगली की जो पहला वाला आपका फेज होता है, इतने चौड़े ब्रास से आप उसको कवर करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शीशा बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है कहां पर, उत्तर और पूर्व दिशा में, क्योंकि जल तत्व है तो जल की दिशा में लगाओगे तो बेहतर, वायु की दिशा में लगाओगे तो बेहतर, जल की दिशा में लगाओगे तो अपॉर्चुनिटीज को बेहतर करेगा, वायु की दिशा में लगाओगे तो सोशल एसोसिएशन को, मौज मस्ती को बेहतर करेगा। आशा करता हूं आपको शीशे के बारे में सारी जानकारी वास्तु संबंधित समझ में आई होगी। इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे बार बार तो बेहतर समझ में आएगा, और कोई सवाल यदि फिर भी मन में रह जाएगा शीशे से संबंधित तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई डेफिनेटली वुड आंसर इट। अगले वीडियो तक, जब तक हम एक अलग चर्चा पे बात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।